केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। शाह ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को भी सदन में पेश कर दिया। शाह के बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। आइए जानते हैं कि धारा 370 है क्या और आखिर क्यों इसको लेकर इतना विवाद है। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा, इसका मसौदा जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही तैयार किया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई 1949 को कुछ बदलाव समेत आर्टिकल 306A, जिसे अब आर्टिकल 370 कहा जाता है, को स्वीकार कर लिया। फिर 17 अक्टूबर 1949 को ये आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। धारा 370 के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता और झंडा भी उनका अलग है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं कहलाता है। देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। संसद जम्मू कश्मीर को लेकर सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती है। रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर केंद्र के कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। केंद्र का कानून लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा से सहमति लेना जरूरी है। वित्तीय आपातकाल के लिए संविधान की धारा 360 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। धारा 356 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। राष्ट्रपति राज्य का संविधान बर्खास्त नहीं कर सकते। कश्मीर में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में 1976 का शहरी भूमि कानून लागू नहीं होता है। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में RTI और RTE यानी राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन जैसे कानून लागू नहीं होते। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का नहीं 6 साल का होता है। तो इस तरह धारा 370 के तहत खास प्रावधान है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अब धारा 370 हटने से ये अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द न्यूज यूनियन को सब्सक्राइब कीजिए। धारा 370 हटाने से क्या बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर में, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द न्यूज इंडियन और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।